नमस्कार, स्वागत है आपका द नेटिजन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। ये रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में हरदोई जनपद से लूटपाट के बाद भाग रहे बदमाशों को पीछा करते हुए ग्रामीणों ने एक बदमाश को पकड़ा और इस दौरान कार सवार बदमाश कार पलट जाने के कारण भागने में सफल रहे, लेकिन एक बदमाश ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया जिसको ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। बता दें कि जनपद फर्रुखाबाद में हरदोई जनपद के गांव से ग्राम प्रधान के घर इको कार सवार बदमाश लूटने के बाद भाग रहे थे। इस दौरान ग्रामीणों ने स्कॉर्पियो कार से बदमाशों का पीछा किया तो ग्रामीणों को पीछा करते देख हड़बड़ाहट में एक इको कार सवार बदमाश फर्रुखाबाद जनपद के राजेपुर थाना क्षेत्र में गाड़ी समेत गिर गए। इस दौरान ग्रामीणों की भी स्कॉर्पियो कार पलट गई जिसमें कार सवार सभी बदमाश भागने में सफल रहे, लेकिन एक बदमाश ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया। हालांकि ग्रामीणों की भी गाड़ी पलट जाने से कई ग्रामीण घायल हुए हैं जिन्हें अन्य ग्रामीणों की मदद से निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पकड़े गए बदमाश को पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। तो उन्होंने गेट खोलने की कोशिश की और मम्मी वगैरह बाहर लेटी हुई थी तो उन्हें बुलाया मम्मी तो बाहर कोई आया नहीं तो उन्होंने एकदम जोर से खींचा और डोर खुल गई तो बाहर निकले और जो भैया दूसरे वाले कमरे में थे उनका गेट खोला तो बाहर पापा वगैरह लेट थे उनका भी गेट खोला तो ऐसे ही वो जब तक वो जागे सब चोर भाग गए तो हम सब लोग बाहर ही बैठे थे इधर उधर देखा तो कहीं मिले भी नहीं तो क्या हुआ पुलिस वगैरह भी आई थी तो दरवाजे ही सब लोग बैठे थे। ये गाड़ी थी चार पांच बार ओमनी शायद चार पांच बार हमारे गेट से इधर उधर जा रही थी तो हमने एक बार कहा पापा ने कि इसे रोक के देखो कि बार बार आ जा क्यों रही तो उसको रोकने की कोशिश की तो वो एकदम भगा ले गया। इको ओमनी थी हाँ तो जब तक हम लोग भी पीछे से भाग खड़े हुए गाड़ी वगैरह निकाली तो जैसे वो बदायूं वाले वो नहीं हाईवे उस पे गए तो भरतपुर की तरफ उसकी तरफ भागा तो हमारी गाड़ी भी पीछे थी तो हमने ओवरटेक किया उससे आगे निकल गए तो उसने फिर बैकअप कर लिया बैक किया उसके बाद वो एक ट्रॉली आ गई तब तक ट्रॉली उसने तो क्रॉस कर दी अब पीछे से हम लोग भी थे हमने जैसे ही उसने बैक किया मतलब उसे ओवरटेक किया तो आगे से मेरी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई इस वजह से और आगे कुछ पता ही नहीं लगा। आप किस गाड़ी में? स्कॉर्पियो पलट गई वही चाचूपुर के पास में नहीं हाईवे पड़ता है राजेपुर के पास कितने लोग लगाऊंगा घायल हुए? छह लोग थे चोट है सबके आई वो एक भाई है उसको ज्यादा सीरियस अरविंद। हाँ फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।